हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए लालची और घमंडी शेर की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक खूंखार शेर था जिससे सब जानवर बहुत डरा करते थे। वो जानवरों पर नजर रखता था और जैसे ही जानवर दिखता था वो उस पर हमला कर देता था और उसे अपना भोजन बना लेता था। इस करके शेर का खौफ पूरे जंगल में हो गया। शेर जहां जहां भी जाता था सब जानवर डर जाते थे और उसे देखकर छुप जाते थे। इस वजह से अब शेर जंगल में भूखा रहने लगा। तो शेर ने सोचा, अब क्यों ना एक ऐसा दोस्त बनाया जाए जो शेर को बाकी जानवरों का पता दे सके और देखकर बता सके कि सब जानवर कहाँ छुपे हैं। इस काम के लिए शेर ने लोमड़ी को चुना। लोमड़ी बहुत ही चालाक और चुस्त थी। अब लोमड़ी छुप छुप कर जानवरों को देखा करती और शेर को उसके बारे में बता दिया करती और शेर जानवर पर हमला कर उसे शिकार कर लेता और अपना भोजन लेता। एक दिन शेर ने सोचा कि मैं पता कराता हूँ कि जंगल में सब जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये काम भी उसने लोमड़ी को दिया। लोमड़ी इस काम के लिए मान गई और उसने तुरंत ये काम शुरू कर दिया। वो जंगल में जाकर जगह जगह सब जानवरों को देखने लगी। उसने सबको देखा और देखा कि सब शेर के बारे में क्या सोचते हैं। सब जानवरों को देखने के बाद लोमड़ी शेर के पास आई और उसने आकर शेर को बताया, अरे तुम तो बहुत खूंखार हो, सब जानवर तुमसे बहुत डरते हैं। यह सब सुनकर शेर बहुत ही खुश हुआ। उसने कहा, हाँ मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छा इस जंगल में कोई भी नहीं है। यह सुनकर लोमड़ी को बहुत बुरा लगा। लोमड़ी ने सोचा, मैं ही तो सबका पता शेर को बता रही हूँ, फिर भी इसको लगता है कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगले दिन लोमड़ी ने सोचा कि मैं शेर के पास जाऊंगी ही नहीं। उस दिन लोमड़ी का बहुत इंतजार करने के बाद शेर अपने आप ही शिकार ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में उसे एक खरगोश दिखा, उसने उसको पकड़ लिया। तभी शेर को जंगल में एक हिरण भी गुजरता हुआ दिखा। शेर को लगा, क्यों ना हिरण क्योंकि बड़ा है उसको पकड़ा जाए, तो उसने हिरण की तरफ अपना रुख मोड़ लिया। शेर हिरण की तरफ गया परंतु हिरण इतना तेज था कि वो फटाफट वहां से दौड़ लिया। क्योंकि हिरण शेर के हाथ नहीं आया तो शेर ने सोचा, चलो वापस खरगोश को ही खा लेता हूँ। पर तब तक खरगोश भी वहां से रफू चक्कर हो गया। ये सब चीजें लोमड़ी छुप कर देख रही थी और लोमड़ी को ये सब देखकर बहुत हंसी आई। उसने सोचा, ये शेर ना ही घमंडी है पर लालची भी है और इसी वजह से उस दिन शेर को खाने को कुछ नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों का महत्व भी समझना चाहिए और खुद ही को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। और हाँ, लालच करना बुरी बात है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। बाय।